नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी नाक बहना शुरू हो जाती है, लेकिन इस परेशानी को हम हल्के में ले लेते हैं और इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। बताते चले कि नाक के डिस्चार्ज का रंग भी अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों को नाक से केवल एक क्लियर फ्लूइड निकलता है, जो किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि उन्हें ये किसी प्रकार की कोई एलर्जी भी हो सकती है। बार बार छींक आना, नाक में खुजली रहना या फिर नाक से पानी आना, इन लक्षणों को आप अनदेखा नहीं कर सकते। लेकिन ये सभी लक्षण आपको भी दिखाई देते हैं तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ये एलर्जी एक तरह की नहीं हो सकती। किसी को ये एलर्जी जानवरों के बालों से हो सकती है या फिर धूल प्रदूषण से भी हो सकती है। आपको जुकाम में भी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये आपको सर्दियों में ज्यादा दिन तक रहता है तो फिर आपको एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कुछ घरेलू उपाय जिससे आप आसानी से इस एलर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। शहद में नींबू का रस मिलाकर पिएं। इस नुस्खे को आप दो बार आजमाएं, इससे आपको राहत मिल सकती है। सरसों के तेल से भी आपको आराम मिल सकता है। इस एलर्जी में नमक का पानी भी आपको राहत दे सकता है। बाहर निकलते वक्त ज्यादातर हम तीखा या गर्म कुछ भी खा लेते हैं, इस वजह से भी आपको नाक बहने की समस्या हो सकती है। मेनिनजाइटिस जैसी बीमारियों में भी नाक बहना, बुखार, सिरदर्द जैसी समस्या होती है, तो आपको इस तरह का संक्रमण ना हो इसके लिए आप चेकअप करा लें। इसके निमोनिया में भी ठंड लगना, नाक से पानी आना जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए आप भी नाक बहने को सामान्य रूप से ना देखें। इससे पहले कि आपको कोई और बीमारी ना जकड़ ले, आप डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।